हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी जोशी आर्ट्स में। पुरानी वीडियो मधुबनी पार्ट वन में मैंने बॉर्डर बनाना और पार्ट टू में मैंने मोर बनाना सिखाया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वे आई बटन पे क्लिक करके पार्ट वन और टू को देख सकते हैं। और आज पार्ट थ्री में हम सभी ढोलक बजाती हुई महिला सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि सबसे पहले हम ब्लैक पेन से आउटलाइन और डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है और इतिहास के अनुसार इस कला की उत्पत्ति रामायण युग की मानी जाती है। जब राम सीता के विवाह के अवसर पर उनके पिता राजा जनक ने इन कला चित्रों द्वारा पूरे राज्य को सजवाया था और ये चित्र महिला कलाकारों द्वारा बनाए गए थे। अपने असली रूप में ये पेंटिंग गांव की मिट्टी से लीपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती है, लेकिन वर्तमान समय में अब इसे कपड़े, पेपर और कैनवास पर भी बनाया जा रहा है। पुराने समय में सबसे पहले ये पेंटिंग रंगोली के रूप में बनाई जाती थी, उसके बाद इसे दीवारों पर बनाया गया, मिट्टी लिपी हुई मिट्टी की दीवारों पे उसके ऊपर से डिज़ाइन बनाए जाते थे। और अभी वर्तमान समय में ये पेंटिंग कागज़ों पे, कैनवास पे और सूती के कपड़ों पे बनाई जाती है। तो देखिए, इस तरीके से आप इयररिंग का जो डिज़ाइन है उसे बनाएंगे। जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें ज्वेलरीज पे बहुत बारीक काम किया गया है। देखिए, जैसे अभी मैं कर रही हूँ इयररिंग पे, आप भी इसी तरीके से बारीक काम करेंगे। और बालों पर भी हम इसी तरीके से बारीक डिज़ाइनिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप काम करेंगे, बारीक बारीक काम करेंगे और धीरे धीरे चलाइए पेन को। अगर आप बिगनर हैं तो आप धीरे धीरे काम कीजिए, और जहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। इसी तरीके से हम गले के जो हार है उसके ऊपर भी बारीक डिज़ाइनिंग करेंगे। एक बात और कहूँगी, और जो लोग मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो इस तरीके से हार पे डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। मधुबनी से जुड़े हुए जो भी सवाल आप लोगों के मन में हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर आपको भी कुछ अदर चीज़ें पता है तो आप वो चीज़ें भी मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, अब हम कलर करना शुरू करेंगे। जो स्किन कलर है उसके लिए हम लाइट कलर यूज़ करेंगे, तो मैं इसके लिए लेमन येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से धीरे धीरे फेस पे मैंने कलर कर लिया है। अब हाथों में कलर, इसी तरीके से आप ढोलक पे भी ब्लैक पेन से डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे। अभी मैं कपड़ों में रेड कलर कर रही हूँ, इसके बाद जूड़े में और इयररिंग्स पे भी मैंने रेड कलर किया है। आप अपने अनुसार कोई से भी डार्क कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे।
मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ साड़ी पे। सबसे पहले मैंने अल्टामेरियन ब्लू कलर किया, अभी ऑरेंज कलर कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे इस हिस्से पे हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने वाइट पेन का यूज़ किया है, आप चाहे तो वाइट पेन का यूज़ भी कर सकते हैं और वाइट कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से जहाँ जहाँ पे मैंने वाइट हिस्सा छोड़ा हुआ है वहाँ पे मैं डिज़ाइन बना के तैयार कर लूँगी। कलर करते वक्त आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्लू कलर है, उसके बाद जाके ऑरेंज है, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज। इस तरीके से आप काम करेंगे। अगर आप पहली बार डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पेंसिल से बना के तैयार कर लीजिए, उसके बाद जाके पेन कीजिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि सीधे पेन यूज़ मत कीजिए, पहले पेंसिल से काम कीजिए उसके बाद जाके पेन का यूज़ कीजिए, पेन या इंक पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। जिस तरीके से उस साइड काम किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड भी काम कर लेंगे साड़ी पे। और यहाँ पे मैंने फूलों और ब्लैक डॉट से ये हिस्सा पूरा कवर किया हुआ है। आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि मधुबनी पेंटिंग के ऊपर ढोलक बजाती हुई महिला पे था। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।